वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप संगत जी, ये स्थान का नाम गुरद्वारा श्री पीर बाला साहिब जी है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज साहब जी ने जगत गुरु स्वामी सतगुरु ने चौथी उदासी करद्या समय जगत जलंधे का भला करद्या होया इस पावन स्थान ते अपने चरण पाए ने। भाई मरदाना जी, भाई बाला जी सतगुरां दे नाल सन। सो ये धरती सिद्धां दी धरती सी, सिद्ध पुरश इत्थे रहिंदे सी, तपछिया करदे, बंदगी करदे परमात्मा दी। राजा पर्थरी भी रहिंदा सी गुरखनाथ दे कोल, जिहड़ा पाणी दी इत्थे सेवा करदा सी। इक डोल लै के जाणा, 64 मण पाणी रोजाना लिया करके सिद्धां नूं उहनां दी त्रेह भजाउणी, सेवा करनी। एक दिन जिस वेले ये पानी जल लैण दे वास्ते वन जंगल दे विच गया है, उस वेले एक करंग दी आवाज़ इहनूं आई है। उस वेले कहा कि हे राजा पर्थरी, दो वार तू विआया गया है, तेरा विआह हो चुकिया, हुण तीजी वार रजूनागढ़ दे राजे दी पुत्री दे नाल तेरा विआह होना है। पर जे चार पैरां दे विच कल तक तू ना पहुंचिया उत्थे, ते तू नरकगामी होवेगा, नरकां दा भागी बनेगा। ये सुन करके राजा पर्थरी बड़ा दुखी हो के चिंतातर हो करके वापस सिद्धां दे कोल आया। गोरखनाथ जी ने होर सिद्धां नूं बेनती की है कि मैनूं इस तरह दे नाल आवाज़ होई है, आकाशवाणी होई है, तो मेरी रक्षा करो, सहायता करो। उस वेले सिद्धां ने जवाब दे दिता। सिद्ध कहन लगे, साढ़े कोलों ये काम नहीं होवेगा। उस वेले धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज साहब जी की शरण दे विच राजा पर्थरी आया है, जाके बेनती की है। उस वेले महाराज साहब जी ने बेनती प्रवान की है। महाराज ने कहा, हे राजा पर्थरी, तेरी बड़ी तपछया है, तेरी बड़ी बंदगी है, तेरा बड़ा त्याग है, इस वास्ते तेनों असी नरकां दे भागी नहीं बन देवांगे। उस वेले महाराज साहब जी ने करंग की सवारी की, करंग ते सवार होए है, और राजे पर्थरी नूं डंडे ते सवार महाराज ने कर दिता, ते भाई मरदाना जी नूं रबाब दे उत्ते सवार करके महाराज साहब जी ढाइया पैरों के विच ही उत्थे जूनागढ़ की धरती ते पहुँचे। चार पैर का समा दिता सी, पर महाराज साहब जी ते आप सम्राट सर्वशक्तिमान ने महाराज जी ढाइया पैरों के विच ही उत्थे पहुँच गए है। महाराज जी इशनान करन वास्ते चले गए। राजा पर्थरी बाग के विच टहलदा जिस वेले जूनागढ़ के राजे की बेटी ने लड़की ने वेख्या, बड़ी खुश हुई है, बुलाया है। जूनागढ़ के राजे नूं पता लग्या है। महाराज धन गुरु नानक देव साहब जी ने फिर समझाया है जूनागढ़ के राजे नूं, ये राजा पर्थरी है और तुहाडी पुत्री दे नाल विआह करवाउण वास्ते असीं लेके आए हैं। जूनागढ़ दा राजा बड़ा खुश होया, महाराज के चरणों ते नतमस्तक होया, मत्था टेकिया है और विआह कीता है अपनी लड़की दा। महाराज साहब जी पर्थरी नाथ नूं लै के फिर इस धरती ते आए विआह करके। ये वह पावन पवित्र अस्थान है। सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज साहब जी ने जिथे पावन पवित्र अपने चरण पाए है, बेअंत संगतां इत्थे संगत जी आउंदियां है, दूरों दूरों देशों विदेशों दे विचों आ करके सतगुरां दे दर्शन करके, पावन स्थान दे दर्शन करके, महापुरशां दे दर्शन करके कृतार्थ हुंदियां ने। इस अस्थान की सेवा महापुरश बाबा जी, बाबा हाकम सिंह साहब जी, बाबा सुखा सिंह साहब जी समूह संगतां दे सहयोग दे नाल करा रहे ने। और हर साल 6 तरीक नूं 6 अप्रैल वाले दिन नूं इत्थे सालाना बरसी दे जोड़ मेले बनाए जांदे है। आप संगतां नूं भी बेनती है कि अपना कीमती समा कढ के वध तों वध आ करके पावन स्थानां ते दर्शन मेले करके, महापुरशां दे दर्शन करके अपना मिलिया होया जीवन सफला करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।